किसान भाइयों देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है, कितनी दूर तक लगभग 50-60 फीट पानी चला गया है खेत के अंदर तक, और मक्के वगैरह भी गिर चुके हैं। ये देख सकते हैं पूरी झाड़ियाँ वगैरह फंस कर आई थी, तो पूरा मक्का लेट चुका है, पन्नियाँ वगैरह पूरा आगे तक आप देखेंगे वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, आपका स्वागत है एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम लगातार हमारे एमपी सिवनी में इतनी लगातार 3 दिनों तक बारिश हुई है, और हमारी मक्के की फसल हो या दूसरे किसानों की मक्के की फसल हो, कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में दिखाते हैं आपको। चलिए बने रहिए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दिखाते हैं कितना नुकसान हुआ है 2024 में। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नाला है, लगभग यहाँ से 6 फीट 5 फीट नीचे बह रहा है अभी, और अभी लगातार 3 दिन बारिश हुई है हमारे एमपी सिवनी में, 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, और आज बारिश नहीं हुई है, हल्की हल्की बारिश हुई है 24 तारीख को। पूरा नाले का पानी जो हमारे शहर का आता है और जो खेतों का आता है, पूरा पानी देख सकते हैं, अब नाला कितना अभी नीचे है, और ये देख सकते हैं पूरा शहर का कचरा वगैरह जो भी रहता है, कपड़े, पन्नी, बाटल और अनेक तरीके की चीज़ें देख सकते हैं पूरी इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पर, ये झाड़ियों में फंस चुकी हैं। देख सकते हैं मक्के में किस तरीके से फंसी हुई हैं, डाइपर कहो या कुछ भी कहो, पूरा सामान जो लोग फेंक देते हैं, ये बोरी वगैरह देख सकते हैं, सारी चीज़ आकर खेत के ऊपर से निकल के जा रही है, इतनी भारी बाढ़ आ गई थी। हमारे बैनगंगा नदी का भी वीडियो देखा होगा आपने, कितनी उफान में चल रही थी, वह 20 फीट ऊपर चल रही थी, 20 फीट पहाड़ी के ऊपर, तो एक गांव डूबने वाला था। ये देख सकते हैं पूरा पानी अभी तो निकल गया है, नली बना दिए थे हमने धार विधि से बोनी किया था, तो ये मक्के की 81-99 वैरायटी है, और ये 15 जून की बोनी है, आज 23 जुलाई हो गई है। पानी देख सकते हैं ये खेत से बिल्कुल सीधा सीधा होकर निकल गया है, वो पेड़ की चीज से, वो बड़ा पेड़ की चीज से, अभी आगे चलकर दिखाएंगे आपको। देखिए कितना कचरा भी इकट्ठा हो गया है, कुछ नहीं था कचरा वगैरह, बिल्कुल साफ था, उधर आगे की मिट्टी भी बह चुकी है पुल के उधर साइड की, इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आ गई थी, खेत वगैरह भी डूब चुके हैं। मक्के की ग्रोथ देख सकते हैं अभी ठीक ही है, थोड़ा जलकपन हो गया था, और इधर किनारे में थोड़ा ज़्यादा पानी भर गया होगा इसके कारण थोड़ा पीला दिख रहा है, बाकी अभी खाद वगैरह डाल दिए हैं, निंदाई इसकी रह गई है तो वो भी करवा देंगे, ज़्यादा खरपतवार नहीं है, पूरे वीडियो हमने सीरीज से डाले हुए हैं, देख सकते हैं आप। थोड़ा इधर जल भराव के कारण थोड़ा मक्का बैठ चुका है, लेकिन वो भी उठ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह से पानी नहीं निकल पाता है, और ये नहर भी काफ़ी ऊंची है, लगभग 30-40 फीट ऊंची नहर है यहाँ पर से, और ये ब्रिज बना हुआ है बहुत बड़ा जो नाले के ऊपर से पानी जाता है नहर का। ये देख सकते हैं पूरी मिट्टी तक भर गई है इसके अंदर तक पौधे के, और ये सूख रही है, देख सकते हैं आप मिट्टी जम के सूख रही है, कीचड़ वगैरह जो रहता है। तो चलिए अब आगे चलकर दिखाते हैं आपको कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, इधर तो दिखा दिए हैं आप लोगों को। किसान भाइयों देख सकते हैं मक्के के अंदर से भी पानी चला गया है, पूरी पन्नियाँ वगैरह कपड़े वगैरह देख सकते हैं आप सारे खेत में फंस चुके हैं, कि देख सकते हैं लगभग 50-60 फीट अंदर तक चला गया है खेत में पानी इस नाले का, काफ़ी नुकसान हो गया है।